बिग बॉस का धमाकेदार आगाज हो चुका है। इस बार भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बीच गंदी लड़ाइयां जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां लड़ाइयां होनी तो बिल्कुल तय। 3 महीने तक एक घर में बिना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के बिताना हर किसी के लिए भारी होता है। यहाँ रिश्तों के कई रंग बदलते हैं, अच्छी दोस्ती भी दुश्मनी में बदल जाती है। कई बार ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्होंने शो में लड़ाइयों की सभी हदें पार कर दी। तो चलिए इस वीडियो में हम आप शो में हुई उन्हीं 8 फाइट्स के बारे में बताते हैं जिसको कोई भी याद करना नहीं चाहेगा। नंबर 1, श्रीशांत। बिग बॉस 12 में श्रीशांत अपने गुस्से की वजह से चर्चा में रहे। शो में श्रीशांत हर दूसरे कंटेस्टेंट संग लड़ाई करते हुए नजर आते थे, लेकिन उनकी एक्टर करमवीर बोहरा संग फाइट को सबसे ज्यादा फुटेज मिली। श्रीशांत ने कई बार फिजिकल होने की भी कोशिश की। उन्होंने करमवीर की तरफ इशारा कर थूका, धक्का मुक्की और गाली गलौज की। एक वक्त बाद श्रीशांत की लड़ाइयों से फैंस इतने उब गए कि शो बोर होने लगा, लेकिन हाँ, इस लड़ाई से शो के टीआरपी को खूब फायदा मिला। नंबर 2, शिल्पा शिंदे विकास गुप्ता। बिग बॉस 11 में शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के लव हेट रिलेशनशिप ने काफी सुर्खियां बटोरी। दोनों के बीच बिग बॉस में आने से पहले ही 36 का आंकड़ा था। शो में दोनों के बीच कई बार लड़ाइयां देखने को मिली। शिल्पा शिंदे ने विकास को इस कदर टॉर्चर किया कि सोशल मीडिया पर कुछ फैंस एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे। दोनों में कई बार धक्का मुक्की भी हुई। नंबर 3, डॉली बिंद्रा। डॉली बिंद्रा बिग बॉस 4 में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने शो में इतनी लड़ाई और हंगामा किया कि दर्शक भी परेशान हो गए। डॉली इतनी लाउड थी कि उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स की नाक में दम कर दिया था। शो में मनोज तिवारी संग लड़ाई के बाद डॉली का डायलॉग बाप पे मत जाना ट्रेंड में रहा। सीजन 4 में डॉली के गुस्से के कहर से कोई भी बच नहीं पाया। डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी की लड़ाई को आज भी कोई भूल नहीं पाया। नंबर 4, प्रियंका जग्गा। प्रियंका जग्गा बिग बॉस 10 की सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट थी। उन्होंने कंटेस्टेंट ही नहीं, वो सलमान खान की भी नाक में दम कर दिया था। प्रियंका ने सलमान खान से भी बदतमीजी की थी। प्रियंका ने शो में को कंटेस्टेंट्स को गालियां दी, यहां तक कि प्रियंका पर्सनल कमेंट्स भी पास करती थी। प्रियंका ने तो मनु पंजाबी की माँ के लिए भी कुछ गलत कह दिया था। सलमान की कई चेतावनी के बावजूद भी प्रियंका नहीं मानी। बाद में प्रियंका को सलमान ने शो से बाहर निकाल दिया था। दबंग खान इस कदर गुस्सा हुए कि उन्होंने साफ ऐलान किया कि अगर बिग बॉस या कलर्स के किसी भी शो में प्रियंका को इनवाइट किया गया तो वो कभी भी कलर्स के साथ काम नहीं करेंगे। नंबर 5, इमाम सिद्दीकी। इमाम सिद्दीकी का नाम बिग बॉस के विवादित कंटेस्टेंट्स में शामिल रहा है। इमाम इस कदर बदतमीजी और अजीबोगरीब हरकतों पर उतर आए थे कि वे सलमान खान पर कमेंट करने से भी बाज नहीं आए थे। इमाम ने अपने बिहेवियर से दूसरे कंटेस्टेंट्स को काफी परेशान किया था। उन्होंने बुरी तरह तोड़फोड़ मचाई थी। सलमान खान और उर्वशी ढोलकिया के साथ हुई उनकी लड़ाई को कोई नहीं भूल पाया। नंबर 6, कमाल राशिद खान। कमाल राशिद खान ने सीजन 3 में बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी। कमाल घर में उटपटांग हरकतों से घर वाले को परेशान करते नजर आते थे, तो वहीं बिंदु तारा सिंह के साथ हुई भयंकर लड़ाई ने उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नंबर 7, पूजा मिश्रा। बिग बॉस 5 का हिस्सा रही पूजा मिश्रा ने शो में आते ही ड्रामा मचा दिया था। पूजा की लड़ाइयों ने कंटेस्टेंट्स के साथ साथ ऑडियंस को भी इरिटेट कर दिया था। पूजा रियलिटी शो में काफी एग्रेसिव रही। उनके एटीट्यूड से सलमान खान भी परेशान हो गए थे। एंड नंबर 8, एजाज खान। बिग बॉस में एजाज खान का कंट्रोवर्सी से नाता कई बार रहा, लेकिन सीजन 8 में तो हद तक पार हो गई जब एजाज खान और अली कुली मिर्जा के बीच की लड़ाई बहसबाजी से मारपीट तक पहुंच गई। एजाज और अली कुली मिर्जा में कुछ बात को लेकर तू-तू मैं-मैं हो गई थी, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि एजाज अली से फिजिकल वायलेंट हो गए, जिसकी वजह से बिग बॉस ने उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया।